एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल वाला निशान आता है, बेल वाली जो वहाँ पे घंटी बनी हुई आएगी, उसको भी ओके कर दें। इससे आपको हमारे वीडियो समय समय पर आसानी से मिलते रहेंगे, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आज उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज सेकंड शुरू कर रहा हूँ, आज पहली पोस्ट हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसिस हैमिल्टन ने किस चंद राजा को गूंगा कहा था? तो फ्रांसिस हैमिल्टन ने राजा दीपचंद को क्या कहा था? गूंगा कहा था। गूंगा कहने के पीछे कारण ये था कि राजा जो दीपचंद थे बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही मिलनसार शासक थे, मतलब सभी से हंस के मिलते थे। लेकिन इनके दरबार में एक मंत्री होता था, उसका नाम था शिवदेव जोशी, जो कि बहुत ही चालाक था। तो वो इनके दरबार में क्या करता रहता था? षड्यंत्र करता रहता था। लेकिन इनको कुछ खबर ही नहीं हुई, बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव के थे। तो इसलिए फ्रांसिस हैमिल्टन ने नेपाल के इतिहास में क्या लिखा है? इस चंद राजा को गूंगा लिखा है। दीपचंद के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो में भी बताया था, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और पानीपत का युद्ध, तीनों युद्ध उसके समय पे हुए थे। और इसको किसने, मोहनचंद ने सीराकोट के किले में कैद किया था और बाद में वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, कौन सा बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैला। इसको याद रख सकते हैं आप ऐसे, कैला है फैला। कौन सा बुग्याल? कैला है फैला। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रणा रात गोडबडा सिलांगू किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा जौनसारी, जौनसारी के लोकगीत हैं। हिल डायलैक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है गंगादत्त उप्रेती। इसको याद रख सकते हैं आप ऐसे, गंगा, जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ मतलब हिल, तो हिल से निकलती है गंगा। तो याद हो गया ना फिर, ये हिल डायलैक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, हिल कहाँ, हिल से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, मिनोल गाड किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। मिनोल गाड किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की। अब कोसी नदी की जो सहायक नदियां हैं उसकी ट्रिक है SDM, ठीक है, SDM। एस से वो है सिमोल गार्ड, डी से है देवगार्ड और एम से है मिनोल गार्ड। मिनोल गार्ड प्रश्न में भी लिखा है, मिनोल गार्ड, ठीक है। छठा प्रश्न, हिमालय के वरदान रचना किसकी है? तो इसका आंसर है सीधे सीधे मोहनलाल बाबुलकर, हिमालय के वरदान रचना। सातवां क्वेश्चन है, 1930 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने हिंदू मुसलमानों को भिड़वाने की चाल को नाकामयाब कर दिया था? तो उत्तर है चंद्र सिंह गढ़वाली, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कहाँ? पेशावर में। घटना थी 23 अप्रैल 1930 की, जहां पर इन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। जो इनके ऊपर अंग्रेज रहते हैं, जो इनके कप्तान रहते हैं, कप्तान रिकेट, वो इनको कहते हैं कि मुसलमानों पर गोलियां चलाओ। इस समय हो क्या रहा था? भारत में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और चंद्र सिंह गढ़वाली भी इस आंदोलन में क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। और जो यहाँ पे मुसलमान थे, जो कि पेशावर में मुसलमान थे, ये भी गांधी जी के सपोर्ट में थे। तो अंग्रेजों को लगा अगर चंद्र सिंह गढ़वाली इन मुसलमानों पर गोलियां चलवा देते तो हिंदू मुसलमानों में क्या हो सकती है? भिड़ंत हो सकती है। लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली समय की नज़ाकत को भांप गए थे और उन्होंने मुसलमानों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। और ये आदेश उनको दिया था कप्तान रिकेट ने। कप्तान रिकेट, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पेशावर में किस कप्तान ने चंद्र सिंह गढ़वाली को गोलियां चलाने के लिए कहा था? तो कप्तान रिकेट। आठवां क्वेश्चन है, गंदूर शब्द का संबंध किस जनजाति से है? तो गंदूर शब्द का संबंध किस जनजाति से? थारू जनजाति से। तो थारू जनजाति में क्या होता है, परिवार को चलाने के लिए मुखिया का चयन किया जाता है, जो परिवार को क्या है, सही ढंग से चला सके, सुचारू ढंग से नियंत्रण कर सके परिवार पर। तो उसको कहा जाता था गंदूर, थारू जनजाति में उसको गंदूर कहा जाता था। अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन, खवास खान ने किस चंद शासक के पास शरण ली थी? तो आंसर हो जाएगा सीधे सीधे इसका मानिक चंद। खवास खान ने किसके पास शरण ली थी? तो मानिक चंद। मानिक चंद चंदवंश का राजा था। इसके समय खवास खान आया था अपनी जान बचाने के लिए। हुआ क्या था, शेरशाह सूरी के दो पुत्र होते थे, दो पुत्र थे शेरशाह सूरी के, इस्लाम खान और आदिल खान। तो इस्लाम खान से खवास खान की क्या थी? दुश्मनी थी। इन दोनों के बीच क्या थी? दुश्मनी थी। तो ये जान बचाने के लिए आ गया था फिर मानिक चंद के यहाँ। इसके बाद इस्लाम खान ने मानिक चंद को कहा भाई कि खबास खान को मेरे हवाले कर दो। तो मानिक चंद ने साफ मना कर दिया था कि जब तक मेरी जान में जान है मैं खबास खान को तुमको नहीं सौंपूंगा। तो खबास खान मानिक चंद के समय
कुमाऊं आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले समय में, तो इसको जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, देविका चौहान का संबंध किससे है? तो इसका इनका संबंध किससे? समाज सेवा से। ये जौनसार क्षेत्र से संबंध रखती हैं, तो देविका चौहान समाज सेवा से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हम ऐसी टेस्ट सीरीज जारी रखेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें ताकि हम अपने इसमें कुछ सुधार कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें जो बगल में बेल वाला निशान आया है उसको भी जरूर ओके करें, इससे आपको हमारी वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।